और ब्रेकिंग के जरिए आपको बताएंगे। इसके बाद सीधे हमारे जो संवाददाता है वो जुड़ेंगे और हमारे संवाददाता तमाम जानकारी देंगे। तो ये देखिए बांदा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बांदा से खबर है जहां तिदवारी के महोखर में ईवीएम खराब। तो महोखर में ईवीएम खराब की जानकारी आप मिल रही है। बूथ संख्या 305 पर ईवीएम मशीन खराब है ये बताया जा रहा है। तो बांदा से इस वक्त की बड़ी खबर, ईवीएम खराब, वोटिंग रुक चुकी है। अधिकारी मौके पर मौजूद है लेकिन क्या वोटिंग चालू हुई है ये अभी हमारे संवाददाता हमारे साथ ऑन एयर लाइव जुड़ेंगे, वो बताएंगे। तो सीधे लिए चलिए तिंदवारी के महोखर की ईवीएम खराब हुई है। ईवीएम खराब हुई है, इसको क्या दुरुस्त किया गया है, क्या कुछ चल रहा है, अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे ऑन द स्क्रीन प्लीज बांदा से रिपोर्टर पंकज त्रिपाठी साहब पर लिए चलिए सीधे हमें। पंकज त्रिपाठी साहब, ये क्या हो रहा है भाई, बांदा में ईवीएम खराब क्या है, ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है, वोटिंग रुकी हुई है? नहीं, आपको बता दूं कि तिंदवारी विधानसभा में जो महोखर गांव है तो वहां पे ईवीएम गड़बड़ी सामने आई। तो जैसे सामने आई तो आला अधिकारी वहां पहुंचे, प्रचार जारी है और ज्यादा नहीं कि 10-15 मिनट के अंदर वो ठीक हो जाए। तो कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए जनता के आक्रोश भी व्याप्त हुआ, ईवीएम क्यों खराब हुआ, कैसे खराब हुआ, इसके चलते वहां पे काम ईवीएम में जारी है और बहुत जल्द ही ठीक होने की। ठीक है, मुझको ये और बताइएगा कि ईवीएम खराब हुई, वोटिंग रुकी, कितनी देर तक वोटिंग रुकी रही, क्या वोटिंग रुकने के चलते वहां जो लोग आए हुए थे वो संख्या उनकी बढ़ गई, क्या वहां पर भीड़भाड़ बढ़ी, क्या लाइन की कतार बढ़ी, इस चीज को बताइए। किस अधिकारी ने संज्ञान लिया, किस वजह से ईवीएम खराब हुई थी, क्या आपको जानकारी दी गई? और प्रोड्यूसर साहब से कहूंगा कि लखीमपुर खीरी का मैटर भी सामने रखिए इसके बाद तुरंत। हाँ, पहुंचे वहां और पहुंचने के बाद उन्होंने जांचा लिया, इसके बाद ईवीएम की गड़बड़ी को ठीक कराने के लिए ज्यादा से ज्यादा ईवीएम खराब नहीं पर लंबी कतारें कहीं देखने को नहीं मिली, क्योंकि इस बार जो है आप ये मान के चलिए कि उस तरह का माहौल नहीं कि जो एक तरफा वोटिंग हो, धीरे धीरे करके लोग आ रहे हैं और कोई ज्यादा बड़ी समस्या खड़ी नहीं हुई। लेकिन लेकिन 15 मिनट के लिए तो खराब रही पंकज त्रिपाठी साहब, लेकिन होता क्या है ना आजकल कि कोई भी चाहे समाजवादी पार्टी के हो या बीजेपी के हो या फिर कांग्रेस के हो, तुरंत सोशल मीडिया पर इस तरीके की अफवाह फैला देते हैं कि वहां पर ईवीएम खराब करवाई गई, खराब हुई, वोट देने से रोका गया। तो इस तरीके की कोई गलत अफवाह तो नहीं फैल पाई है, थोड़ा हमारे दर्शकों को क्लियर करिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई अफवाह नहीं फैली। ऑटोमेटिक चलते चलते मान लीजिए मशीनरी काम है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खराबी आ जाती है, इसके चलते आला अधिकारी पहुंचे, ईवीएम मशीन को जो है ठीक कराया, वोटिंग शुरू हो गई। ठीक है, अभी मतलब ठीक है, मतलब ईवीएम अभी बिल्कुल दुरुस्त है, वोटिंग हो रही है, सब कुछ चल रहा है। पीछे नजारा दिखाइए जरा, पीछे नजारा दिखाइए। जी जी, मैं देखिए पीछे का नजारा, पीछे का नजारा आपको दिखा रहा हूँ। हाँ। जैसा कि आप देख लीजिए, हाँ। इस समय मैं राजकीय इंटर कॉलेज के पास आ गया हूँ। हाँ। वहाँ की ईवीएम मशीन आपकी दुरुस्त हो चुकी है। हाँ। तो पीछे देखिए आप, हाँ। आप यहाँ देखिए कि कैसे जो है, हाँ। पूरी भीड़ नहीं समझ में आ रही। पंकज त्रिपाठी साहब, आपको यहाँ पर पंकज त्रिपाठी साहब हमारे साथ बने रहिए, मैं सीधे बता रहा हूँ कि इसके बाद सीधे लखीमपुर खीरी चलेंगे जहाँ से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। और लखीमपुर खीरी में कुछ देर पहले जो घटना हुई है उसको लेकर दर्शकों बताएंगे आपको, बहुत बड़ी घटना हुई है, फेविक्विक घटना हुई है। क्या है फेविक्विक घटना, उस पर सीधे लिए चलेंगे। पंकज त्रिपाठी अभी हमारे साथ लाइव है। पंकज जी, आप पीछे की तस्वीरें दिखा रहे थे मुझको, पीछे की तस्वीरें दिखा दीजिए और दर्शकों को यह बता दीजिए कि आप वहां के किसी भी जंजाल में नहीं फंसे, ईवीएम ठीक है, दुरुस्त है, टेक्निकल फॉल्ट था, दिखाइए तस्वीरें पंकज साहब। बिल्कुल, मैं दिखा रहा हूँ कि ईवीएम दुरुस्त है और ईवीएम बिल्कुल सही तरह से चल रहा है और बिल्कुल दुरुस्त हो गया है, किसी प्रकार की अफवाह भी नहीं थी। इस तरह जो है 2 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के लिए रुकी और इसके बाद काम चालू हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज त्रिपाठी साहब को, थोड़ा रिलैक्स करिए डायरेक्टर साहब। पंकज त्रिपाठी साहब रिलैक्स करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि बांदा में ईवीएम खराब होने की एक खबर फैलाई जा रही थी सोशल मीडिया पर, जिसको न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने यहीं पर उसको डिसमिस कर दिया है। कोई घटना ऐसी नहीं है कि ईवीएम खराब हो गई है तो खराबी हो गई है या फिर प्रशासन की कोई वजह से खराब हुई है, टेक्निकल फॉल्ट था, 10 से 15 मिनट के लिए ईवीएम थोड़ा सा दुरुस्तीकरण किया गया, ठीक की गई, अब एक बार फिर वोटिंग सुचारू रूप से चालू है, वोट कर सकते हैं, जाइए भाई जाइए वोट करिए वहां पर बांदा में, ईवीएम कोई गड़बड़ नहीं है, कोई झाला नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन एक एक जगह पर जहां भी कुछ भी ऐसी गतिविधि हो रही है वहां पर हमारे रिपोर्टर तुरंत हमको सूचित कर रहे हैं तुरंत। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर बने रहिए और किसी भी तरीके की कोई भी खबर हो इसको शेयर कर दीजिए हर जगह।